आज मैं कुंदन कुमार क्लास 10th CBSE की अंग्रेजी की बुक जो द फुटप्रिंट विदाउट फिट है उसकी आज मैं द हैक ड्राइवर चैप्टर की चर्चा करूँगा, जो कि ये सिंक्लेयर लेविस के द्वारा लिखित एक स्टोरी है। इससे पहले कि आप द नेकलेस चैप्टर का पूरा वीडियो आप अवश्य ही देखें, आज मैं चर्चा करूँ थोड़ा सा द हैक ड्राइवर चैप्टर की। उससे पहले कि वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस, पैराग्राफ टू पैराग्राफ करने से पहले थोड़ी सी मैं बता दूँ कि सिंक्लेयर लेविस कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म 7 फरवरी 1885 को US में हुआ। डेथ की मैं बात चर्चा करूँ तो डेथ इनकी 10 जनवरी 1951 को रोम इटली में हो गया। वो एक अमेरिकन नॉवलिस्ट और सोशल क्रिटिक भी थे और वो पहला US राइटर बने जो नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के फील्ड में उन्होंने जीता। कब? तो 1930 में। और उनकी माँ 6 साल की अवधि में ही डेथ कर गई। आखिर उन्हें बाद में अपने स्टेप मदर के साथ उन्हें रहना पड़ा। अब मैं ज़रा सा इसकी वर्ड टू वर्ड चर्चा करूं। द हैक ड्राइवर, हैक का मतलब होता है हॉर्स ड्रन व्हीकल, एक ऐसी गाड़ी जो घोड़ा के द्वारा खींची जाती है। अ यंग लॉयर केम कम्स टू अ विलेज टू सर्व समन्स ऑन ऑलिवर लुटकिंस। एक जवान वकील एक गाँव में ऑलिवर लुटकिंस को समन देने आता है। अ फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिंस। एक मित्र भाव रखने वाला गरीबान उसे सारे गांव में लुटकिंस की खोज में उसे घुमाता है। डज ही फाइंड हिम, क्या उसे वो ढूंढ पाता है या नहीं? हु इज़ लुटकिंस, आखिर लुटकिंस कौन है? आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिशेंट लॉ फर्म। ऑनर्स के साथ स्नातक बनने के बाद मैं एक बड़े कानूनी फर्म में कनिष्ठ असिस्टेंट क्लर्क, असिस्टेंट मतलब होता है कनिष्ठ, असिस्टेंट क्लर्क बना। कहाँ? तो मैग्निफिशेंट लॉ फर्म में। मैग्निफिशेंट मतलब होता है शानदार और या बड़ा। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स। और मुझे कोई कानूनी केस तैयार करने के लिए नहीं, वरन समन अथवा तलबनामा पहुंचाने के लिए किसी लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव, किसी घटिया मिनी जासूस की तरह मुझे क्या कर दिया गया, मुझे भेज दिया गया। चीप मतलब घटिया, सस्ता। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शैडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स। मुझे नगर के गंदे तथा अंधेरों कोनों में अपने आदमी की तलाश में जाना पड़ता था। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। ओ माई गॉड, मुझे कभी तो कुछ ताकतवर था अधिक, जिसके पास कॉन्फिडेंस रहता था, लोगों ने तो मेरी पिटाई भी कर दी। आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क एंड द साइट ऑफ द सिटी लाइफ। एक बार से खिसकाता हूँ। अब कहते हैं कि कभी कभी तो मुझे कोई तो जिसके पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता तो वो तो मुझे कभी कभी पीट भी देते थे। आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क। ओ माई गॉड, अब तो इन्हें बड़ा, शुरू में तो कोई भी काम जब शुरू शुरू के दौर में तो परेशानी वाली भरी होती ही है। अभी भी बेचारा अभी बिल्कुल अनट्रेंड है। मैं इस न चाहने वाली काम से बहुत नफरत करता था। एंड द साइड ऑफ माई सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी। और तथा जो ये जो जीवन था, जो कहाँ रहने वाला सिटी वाली, ये सिटी के जीवन से मैं बड़ा ही, जो मेरे सामने में आया वो मुझे पसंद थोड़ा भी नहीं था। और जो कि ये जो भी कुछ दिखा ये बड़ा अजीब प्रकार से दिखता था। आई इवन कंसिडर्ड फ्लिंग टू माई होम टाउन वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड। अब वो कहते हैं कि मैंने तो यहाँ तक कि सोचा कि अपने इस जगह से मैं भाग जाऊँ जहाँ मैं जल्दी ही वास्तविक वकील बन सकता था। मुझे इस अनप्लेजेंट मतलब न सुखद, अन अन मतलब नॉट, प्लेजेंट मतलब सुखद, कि न सुखद रहने वाला जो ये ट्रेनिंग है इससे मैं थोड़ा भी ज़रूरत मुझे नहीं है। शो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 माइल्स इन द कंट्री टू अ टाउन कॉल्ड न्यू मुलियन टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लटकिंस। इसलिए मुझे खुशी हुई, रिजॉइस मतलब आनंदित होना, खुशी होना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने मुझे
न्यू मुलियन जो जगह का नाम है उसे, जो लगभग 40 मीटर दूर था, जाकर ओलिवर लुटकिंस नाम की एक व्यक्ति को उसका समन पहुंचाने के लिए बोला गया। वी नीडेड दिस मैन एज ए विटनेस इन अ लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आर लेटर्स। और इस व्यक्ति की ज़रूरत एक मुकदमे में थी और वह व्यक्ति हमारे सभी पत्रों को क्या कर रहा था, इग्नोर कर रहा था। वेन आई गॉट टू न्यू मुलियन माई ईगर एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज वर सेवरली डिसअपॉइंटेड। यहाँ विटनेस है, विटनेस मतलब गवाह होता है। लेकिन जब मैं जो ही न्यू मुलियन पहुँचा, वेन आई गॉट टू न्यू मुलियन, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी जो मधुर एवं सरल जो जीवन था, कहाँ रहने वाला ग्रामीण जीवन, जो देख पाने की जो अपेक्षा थी, वो उसका बड़ा कठोर झटका लगा। मैं बुरा ही डिसअपॉइंट हो गया, बड़ा ही नाखुश हो गया। इट्स स्ट्रीट्स आर वर रिवर्स ऑफ मर्ड विथ रोज ऑफ वुडन शॉप्स ईदर पेंटेड अस आर ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल। कीचड़ से भरी हुई नदियाँ, दोनों लकड़ी के बने जो वुडन शॉप्स, इवन इतना ही नहीं जिन पर भूरे रंग का पेंट चढ़ा हुआ था और उन पर कोई पेंट भी नहीं था, बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। अब क्या हुआ, इस कस्बे में एक ही सुखप्रद दृश्य तो यह दिखा कि वह था स्टेशन पर एक बैठा व्यक्ति जो कि वो डिलीवरी मैन था। एग्रीगेबल साइट मतलब कि बड़ा ही अच्छा दृश्य, एग्रीबल मतलब यहाँ अच्छा का सेंस लग जाएगा, एग्रीएबल अच्छा का, जिससे कि आप संतुष्ट हो सकें। और ही वॉज अबाउट 40 रेड फेस चेयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडल। वह लगभग कितने साल का, लगभग 40 वर्ष का, लाल चेहरे वाला तथा शरीर के मध्य भाग थोड़ा सा मोटा, ठीक अबाउट द मिडल। हीज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड विल्वर्ड एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर। और जो उसके जो कपड़े थे वो किस प्रकार से थे, जैसे पूरे गंदे थे, पुराने भी थे जो कि वो पहना हुआ था। एंड ही हैड ए फ्रेंडली मैनर, लेकिन वो बड़ा ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल, और उसे मिलकर फौरन ऐसा लगता था कि वो सभी व्यक्तियों से प्यार करता है। आई वॉन्ट आई टोल्ड हिम, मैं खोजना चाहता हूँ, मैंने उसे बताया, मैं किसी को ढूंढना चाहता हूँ। टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस, जिसे मैं ढूंढना चाहता हूँ, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम ओलिवर लुटकिंस है। अब इसी के जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ। हाँ, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो। कहते हाँ हाँ, अरे मैंने तो उसे लुटकिंस को, मैंने उसे अभी एक घंटा पूर्व ही मैंने उसे देखा है। हार्ड फेलो टू कैच दो, ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर। नहीं नहीं, जानते हो उस व्यक्ति को पकड़ पाना बड़ा कठिन काम है, वो तो कुछ न कुछ काम में हमेशा मशगूल रहता है, ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर। He is probably trying to start up a poker game in the back of his shop. शायद वो फ्रीज की दुकान पर पिछवाड़े में पोकर खेलने का शुरू करने वाला है। I will tell you, why is there any hurry about locating Lutkins? क्या उसको पता लगाने की जल्दी तो है, लेकिन मैं अगर एक बात ही कहूँ कि जी हाँ, और उसे बड़ा ही मुश्किल काम है उसे ढूंढ पाना, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं कि उसे पता लगाने की जल्दी है। देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लटकिंस, क्या उस लटकिंस को ढूंढना बड़ा जल्दी है, तो बताओ। यस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट अबाउट इट। हाँ ठीक है जी हाँ, मैं शाम की गाड़ी से नगर वापस जाना चाहता हूँ, आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, सिटी मतलब नगर, और मैं बहुत महत्वपूर्ण था तथा भेद बताना भी नहीं चाहता था, सीक्रेट अबाउट इट। आई विल टेल यू वट आई हैव गॉट टू हैक, और मैं आपको बताऊँगा कि वह कहाँ है। आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टूगेदर एंड फाइंड लुटकिंस। और मेरे पास किराए की गाड़ी है, मैं उसे बाहर निकालता हूँ तथा हम दोनों अब एक साथ घूम कर लुटकिंस को ढूंढेंगे, ढूंढ सकते हैं। वी कैन ड्राइव अराउंड टूगेदर एंड फाइंड लुटकिंस। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेज ही हैंग्स आउट, और मुझे उन अनेक स्थानों की जानकारी है जहाँ वो जाता रहता है। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन। अब वह इतना खुले मन का था तथा उतना इसका फ्रेंडली बिहेव था कि मैं उस स्नेह की गर्मी से बिल्कुल क्या हो गया, खुश हो गया। आई न्यू
और मैं तो जानता था ऑफ कोर्स क्यों नहीं कि दैट ही वांटेड द बिजनेस, बट ही हिज काइंडनेस वाज रियल, कि वो अपने धंधा भी चलाना चाहता था और उसकी जो काइंडनेस थी, जो उसकी दयालुता थी, वो भी बिल्कुल रियल ही थी, ऐसा दिख रहा था। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। चलो वह ठीक है, मुझे भी खुशी थी किराए का पैसा उस किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाएगा। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू डू $2 एन आवर एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाई अ सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स। और मैंने मोल भाव कर कर बार्गेन डाउन, मैंने क्या किया, मैंने मोल भाव करके किराए की जो दर थी वो कितने पर ले आया, $2 एक घंटे की कीमत पर ले आया। और फिर वह अपने निकट वाले घर से पहियों पर रखा एक प्रकार का विशाल काला डिब्बा भी ले आया, अ शॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स, ही रिमार्क्ड। और वो बोला कि वेल यंग मैन, हेयर इज द कैरियर्स एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। अब कहते हैं कि नौजवान, ये यही गाड़ी है और उसकी चौड़ी मुस्कुराहट ने तो मुझे एक अच्छा खासा मेरा दोस्त बना दी, जैसे कि वो एक पुराना दोस्त हो। दीज विलेजर्स, करेज मतलब गाड़ी होती है, दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर। और ओ माई गॉड, अभी तो बेचारा बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बात है कि अभी कम उम्र का है। और कहा भी जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने भी एक बार कहे थे कि अनुभव से बड़ा कोई टीचर नहीं। अभी ये इस बेचारे का, अभी ये नौजवान तो अभी लॉयर ही है, उसके पास तो कुछ अनुभव भी नहीं है ना, इसलिए तो इसे सब कुछ बिल्कुल आसान लगता है, क्योंकि जीवन जीना इतना आसान नहीं होता। कहा भी जाता है जिसके ऊपर आप सबसे आँख मूंद कर ज़्यादा भरोसा करते हैं, वही सबसे ज़्यादा धोखा देने के काबिल बन जाता है। नहीं, ये गांव वाले भी किसी परदेसी की सहायता करने को कितना तत्पर रहते हैं। दिस विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस फॉर मी। ओ माय गॉड, उसने तो मेरे ओलिवर लुटकिंस को खोजने का काम तो अपना बना लिया था, ऐसा वो कहते हैं कौन जो लॉयर अभी हैं। सो ही सेड, आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफेयर यंग फेलो, बट माई गेस इज दैट यू वॉन्ट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस। अब वो कहते हैं कि वह बोला, मैं तो बीच में आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहता, लेकिन जवान पर मेरा, लेकिन मेरा अनुमान है, माई गेस इज, मेरा अनुमान है कि आप लुटकिंस से कुछ पैसा वसूल करना चाहते हैं, कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस, उससे कुछ पैसा लेना चाहते हैं। ही नेवर पेज एनी वर्डी अ सेंट, क्योंकि वह जानते हैं कि वह कभी भी किसी का एक भी सेंट वापस नहीं करता, एक भी पैसा उसे वापस नहीं करता। ही स्टिल ओज मी 50 सेंट्स ऑन अ पोकर गेम आई वॉज होल। ओ माई गॉड, कि उसने तो मेरा, कि उसने जानते हैं कि मुझसे भी अभी उसे पोकर खेल के लिए 50 सेंट अभी लेने हैं, इसी कि जस्ट बाद ऐसा चलता हूँ। आई वॉज इनफ टू प्ले विथ हिम, जो सेंटेंस अभी मैंने बोला कि सेंटेंस इससे पीछे वाला में जो लिखा था, उससे पता चलता है कि अरे मैंने तो उसके साथ खेलकर बहुत बड़ी मूर्खता की। और ही इज़ नॉट रियली बैड, बट इट इज़ हार्ड टू मेक हिम पार्ट विथ हिज मनी, क्योंकि जानते हो कि वास्तव में व्यक्ति इतना बुरा नहीं है, पर उससे पैसा वसूल करना बहुत ही कठिन काम है। मेक हिम पार्ट विथ हिज मनी, इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ्स, ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू। लेकिन जानते हैं, यदि उससे पैसा लेने का प्रयास इन अच्छे वस्त्रों को पहनकर करोगे, अच्छे ड्रेस में करोगे, तो उसे संदेह हो जाएगा तथा वह क्या हो जाएगा, वो आपसे भाग जाएगा, गेट अवे फ्रॉम यू। इफ़ यू वॉन्ट आई विल गो इन टू फ्रिज एंड आस्क फॉर हिम एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी। इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं फ्रिज के पास चला जाऊँगा तथा उसके बारे में पूछताछ कर लूँगा और आप मेरे पीछे रहें, प्लीज़ आप मेरे सामने में ना आए। यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, आप मेरे पीछे रहें, आप मेरे सामने में ना आए। आई लव्ड हिम फॉर दिस बाई माई सेल्फ, आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस। अरे मुझे तो इतना लगा कि मैं तो मुझे मुझे आई लव्ड हिम फॉर दिस, मैं इसके लिए, मैंने तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया खुद से, और भी बाई माई सेल्फ, मैं तो अकेला, आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं तो अकेला लुटकिंस को कभी भी खोज नहीं पाता। विद द हैक ड्राइवर्स नोविंग हेल्प आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन, क्योंकि इस गाड़ीवान की जानकारी की सहायता से तो मैं किसी भी व्यक्ति को खोज सकता था। आई टूक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम दैट आई वॉन्टेड टू सर्व द शमून्स ऑन लुटकिंस। अब वो कहता है कि मैंने तो इसको इतना विश्वासी मान लिया, तो उसे बताया कि मैं लुटकिंस को समन देना चाहता हूँ। दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी अ विटनेस,
क्योंकि जानते हो कि उसने मुझे गवाह बनने से इनकार कर दिया है। वेन हिज इंफॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस, क्योंकि जबकि इसकी सूचना हमारे केस में शीघ्रता से ही हल हो जाता है अगर ये मुझे मेरे फेवर में बोल देता तो। द ड्राइवर लिसेंड अर्नेस्टली, और ड्राइवर को बड़ी ध्यानपूर्वक मेरी बातों को, नम्रतापूर्वक मेरी बातों को सुना। एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ड, वेल वी विल गिव ब्रदर लुटकिंस अ लिटिल सरप्राइज। ठीक है, हम लोग तो लुटकिंस को आश्चर्यचकित कर देंगे। ये बोलता हुआ उसने मेरे कंधे पर हाथ ही मारा और हंस भी दिया, ये बोलते हुए, यार यार आसान काम है लुटकिंस को ढूंढना, हम लोग लुटकिंस को आश्चर्यचकित भी कर देंगे। लेटेस्ट स्टार्ट ड्राइवर, चलो ठीक है गाड़ीवान चलाओ। कौन बोले? जो यंग ड्राइवर हैं। अब इसके बाद का जो वीडियो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है तो डालने में भी समय लगता है। और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें, क्योंकि इससे आगे वाला वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। थैंक्स अ लॉट।